हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक समय की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल पानी किस नदी का सबसे श्रेष्ठ है? बीरबल ने कहा, महाराज जमुना का पानी सबसे श्रेष्ठ है। अकबर ने कहा, गंगा को श्रेष्ठ नदी मानते हो और पानी जमुना का श्रेष्ठ कहते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर आपने पानी के बारे में पूछा, अमृत के बारे में कहां पूछा? इसी तरह किसी ने पूछा, परमात्मा कहां मिलेंगे? तो उसका जवाब मिला, परमात्मा सब तरफ है, कहीं से भी शुरू कीजिए, बस शुरू कीजिए, जहां से भी शुरू करेंगे उसी में शुरुआत होगी। कहां से शुरू करूं इस सवाल में मत उलझिए, क्योंकि परमात्मा तो एक तरह का वर्तुल है। इसलिए तो दुनिया में इतने धर्म हैं, क्योंकि इतनी शुरुआतें हो सकती हैं। दुनिया में 300 धर्म हैं, दुनिया में शायद 3000 भी धर्म हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं, 3 करोड़ भी हो सकते हैं। दुनिया में दरअसल उतने ही धर्म हो सकते हैं जितने लोग हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की शुरुआत दूसरे से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे से थोड़ा अलग है। कहीं से भी शुरू कीजिए, इस सवाल को बहुत ज्यादा अहमियत मत दीजिए, अहमियत दीजिए शुरू करने को। और ध्यान रखिए कि जब भी कोई शुरू करता है तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। कहां से शुरू करें, यह बहुत सारा गणित का सवाल है। इसमें डर यह होता है कि कहीं गलती शुरुआत में ही ना हो जाए, कहीं भूल चूक ना हो जाए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर बच्चा चलने से पहले यही पूछे कि कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, कहीं गिर न जाऊं, घुटने में चोट न लग जाए, तो फिर बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। उसे तो शुरुआत करनी पड़ती है, सब खतरे मोल लेने पड़ते हैं, डर के बावजूद शुरू करना पड़ता है। एक दिन बच्चा उठकर जब खड़ा हो जाता है तो नामुमकिन लगता है कि चल पाएगा, अभी तक घसीटता रहा था, आज अचानक खड़ा हो गया है। मां कितनी खुश हो जाती है जब बच्चा खड़ा हो जाता है। हालांकि खतरे का दिन है, अब गिरेगा, अब घुटने तोड़ेगा, अब खून बहेगा, सीढ़ियों से गिरेगा, अब खतरे की शुरुआत होती है। जब तक घसीटता था खतरा कम था, सुरक्षा थी, मगर सुरक्षा में ही कब तक कैद रहोगे, कंफर्ट जोन में ही कब तक कैद रहोगे? बच्चे को चलना पड़ेगा, खतरा मोल लेना पड़ेगा, वरना लाचार ही रह जाएगा और कई बार गिरेगा। जब बच्चा पहली बार बोलना शुरू करता है तो तुतलाता ही है, एकदम तो सारी जुबान सारी भाषा का मालिक नहीं हो जाता। बच्चा तुतलाएगा, भूलें होंगी, गलतियां होंगी, कुछ का कुछ कहेगा, कुछ कहना चाहेगा, कुछ निकल जाएगा, लेकिन बच्चे हिम्मत करते हैं तुतलाने की, इसलिए एक दिन बोल पाते हैं। तुतलाने की हिम्मत करते हैं इसलिए एक दिन कालिदास और शेक्सपियर भी पैदा हो जाते हैं। तुतलाने की कोशिश करते हैं इसलिए एक दिन गौतम बुद्ध और जीसस क्राइस्ट भी पैदा हो जाते हैं। जो गलतियों से बचना चाहेगा वो कभी चल नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा, वो जी नहीं सकेगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अक्सर ऐसा हो जाता है कि गलतियों से बचने वाले लोग वंचित ही रह जाते हैं जिंदगी की बहारों से। दुनिया में एक ही गलती है और वो गलती है गलतियों से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश। आप कहीं से भी शुरू कीजिए, मस्जिद से शुरू कीजिए, मंदिर से शुरू कीजिए, गुरुद्वारे से शुरू कीजिए, चर्च से शुरू कीजिए, मूर्ति से शुरू कीजिए, कुरान गीता वेद पुराण कहीं से भी शुरू कीजिए, नदी पहाड़ पत्थर किसी की भी पूजा से आप शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। दरअसल मैं तो ये कहूंगा कि आप कुदरत से शुरू कीजिए,
क्योंकि प्रकृति में ही परमात्मा छुपा है। वृक्षों फूलों को देखिए, चांद तारों को देखिए, नदी सागरों को देखिए, परमात्मा इन सब में छुपा है, यही तलाश कीजिए। तो पहला कदम कुदरत से उठाओ, प्रकृति से उठाओ। कुदरत में दिख जाए तो फिर सब जगह दिखाई पड़ने लगेगा। इसीलिए तो कभी सागर को देखते देखते ध्यान की झलक आ जाती है, कभी हिमालय पे शांत खामोश हरियाली को देखते देखते आपके भीतर कुछ हरा सा हो जाता है, कभी गुलाब की पंखड़ियों को खुलते देखते देखते आपके भीतर कुछ खुल जाता है, कुछ खिल जाता है। हम इस कुदरत के हिस्से हैं, हम भी एक पौधे हैं, हमारी भी यहां जड़े हैं। ये जमीन जितनी वृक्षों की है उतनी हमारी है। ये वृक्ष जैसे जमीन से पैदा हुए, हम भी पैदा हुए हैं। सागर में जो जल लहरें ले रहा है, वही जल हमारे भीतर भी लहरें ले रहा है। वृक्षों में जो हरियाली है, वही हमारी जिंदगी भी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हम इस कुदरत का हिस्सा हैं, हम भी एक पौधे की तरह हैं, हमारी भी यहां जड़ें हैं। ये जमीन जितनी वृक्षों की है उतनी हमारी है। ये वृक्ष जैसे जमीन से पैदा हुए, हम भी पैदा हुए हैं। सागर में जो जल लहरें ले रहा है, वही जल हमारे भीतर भी लहरें ले रहा है। वृक्षों में जो हरियाली है, वही हमारा जीवन भी है। वृक्ष आते हैं चले जाते हैं, हरियाली बनी रहती है, हरियाली अमर है। फूल आते हैं चले जाते हैं, फुलवारी बनी रहती है, फुलवारी अमर है। आज एक पौधा है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, लेकिन तीनों किसी एक ही जीवन के अंग हैं, एक ही सिलसिला है। और जिसने कुदरत को देखा, प्रकृति को देखा, उसी को देखने के नए कोण, नई दृष्टियां, नए नजरिए, नए दर्शन मिलते हैं। उसी को खूबसूरती को परखने की नई आंख मिलती है, नई कसौटियां मिलती हैं। और उसी प्रकृति के माध्यम से भावना को सभ्यता मिल जाती है। जो लोग प्रकृति से अपरिचित हैं, उनकी भावना असभ्य होती है। जिसने कभी फूल खिलते नहीं देखा, वो आदमी कभी पूरा आदमी नहीं। जिसने कभी पक्षियों के गीत शांति से बैठकर नहीं सुने, और जो आदमियों की आवाज ही सुनता रहा है, वो आदमी नहीं। और जिसने कभी रात के चांद तारों से गुफ्तगू नहीं की, वो आदमी आदमी नहीं, वो आदमी बहुत बहुत अधूरा है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लंदन में कुछ साल पहले एक सर्वे किया गया, लंदन के बच्चों का सर्वे। उनसे कुछ सवाल पूछे गए। जब वो सर्वे आया तो कई लोगों के दिल में आंसू आ गए। लंदन के कई बच्चों से पूछा गया कि क्या उन्होंने गाय देखी है, खेत देखे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने यह कहा कि उन्होंने गाय नहीं देखी, खेत कभी नहीं देखे। दोस्तों, सीमेंट से पटी सड़कें जिंदगी की खबर नहीं देती। सीमेंट के खड़े हुए स्काई स्क्रेपर्स, जहां से वृक्ष विदा हो गए हैं, वहां से कुदरत भी विदा हो गई है। मशीनें और आदमी की बनाई हुई चीजें कैसे आपको कुदरत की खबर दें? आदमी की बनाई चीजें आदमी को खबर देती हैं। कार्स हैं, ट्रेन्स हैं, हवाई जहाज हैं, कारखाने हैं, धुआं फेंकती हुई उनकी बड़ी चिमनियां हैं, बड़े ऊंचे मकान हैं, चौड़े सीमेंट के रास्ते हैं। इसमें आपको कुदरत कहां मिलेगी? कहां खोजेंगे आप कुदरत को? इससे आपको अगर कुदरत के संबंध में शक होने लगे तो ताज्जुब किस बात का? कुदरत को खोजना हो तो वहां खोजो जहां चीजें बढ़ती हैं। परमात्मा को खोजना हो तो वहां खोजिए जहां चीजें बढ़ती हैं।
बड़े से बड़ा मकान भी अपने आप नहीं बढ़ता, उसमें जीवन नहीं है। और लंबे से लंबा रास्ता भी अपने आप नहीं बढ़ता, उसमें जीवन नहीं है। एक बीज में, एक सीडलिंग में ज्यादा छुपा है जितना लंदन में, न्यूयॉर्क में या मुंबई में छुपा है, उससे ज्यादा, उसे कहीं ज्यादा एक छोटे से बीज में छुपा है, एक छोटे से सीडलिंग में छुपा हुआ है। क्योंकि सीडलिंग, बीज बढ़ता है, बीज में जीवन छुपा है, और जीवन में कुदरत छुपी है, जीवन में परमात्मा छुपा है। और जिस आदमी ने आदमी की बनाई चीजें देखी, वो आदमी शायद कठोर हो जाएगा। जिसने परमात्मा की कोमल बनाई चीजें देखी, वो आदमी भावनाओं की दृष्टि से सभ्य हो जाएगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जिसने कुदरत को देखा, वही महसूस कर पाएगा कि कुदरत शाश्वत है और उससे प्यार कर पाएगा, क्योंकि वो देखेगा यहां शाश्वत है, इटर्नल है। गुलाबों के फूल बहुत हुए और बहुत गए, लेकिन गुलाब का फूल बना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक फूल जाता है, दूसरा उसकी जगह भर देता है। परमात्मा का सृजन अनंत है, कुदरत का सृजन अनंत है। और इस कुदरत को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहां कितने ढंग के फूल हैं, कितने रंग, कितने ढंग, कितने बेमिसाल। कहां गुलाब, कहां गेंदा, कहां कमल, कहां चंपा, कहां चमेली, सब कितने अलग और सब में एक ही तरह की खुशबू। वैसे ही लोग भी अलग अलग हैं, उनकी प्रार्थनाएं भी अलग अलग होंगी, उनके जज्बात भी अलग अलग होंगे। आप कुदरत को गौर से देखिए तो आपको भिन्नता में एकता नजर आएगी, और जिसको भिन्नता में एकता नजर आती है, उसको मनुष्य का दिल दिखाई देने लगता है। दोस्तों, तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हर फूल में आपके दुखों को छीन लेने की शक्ति है, हर फूल में आपके बेचैनी को छीन लेने की ताकत है, अगर आपके पास देखने की वो नजर है, वो आंख है। गुलाबों के तख्तों में हर दीदाव दिल की तस्कीन का सामान, नजर और दिल को सुकून दे, ऐसा रहस्य, ऐसा जादू चारों तरफ छाया हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। बस एक नजर चाहिए उसे महसूस करने की। दोस्तों, जरा इमेजिन करिए, जरा सोचिए, धीमी रफ्तार से खुशबूदार हवा चल रही है, खुशनुमा हवा आ रही है, और हवा फूलों के रंगों पे विचार विमर्श कर रही है। हर फूल के पास थोड़ी देर ठहरती है, देखती है, रस लेती है, आगे बढ़ जाती है, सोचती है। कुदरत में डूब जाइए, एक घंटा तो कम से कम खोज ही लीजिए, जो आदमियों से दूर, एक दूसरी जुबान में, एक दूसरी भाषा में, एक दूसरे जगत में आपको ले जाए। आदमी जरूरत से ज्यादा आदमी से भर गया है, उसे छुटकारा चाहिए। थोड़ा दरवाजा खोलिए, और कुदरत बेहतर है जहां से राह बन सकती है। और जब कुदरत को देखने की आप में क्षमता आ जाएगी, तो आप अचानक समझ जाएंगे, कुदरत दूर नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है, यहीं छुपा है। ये सारा राग रंग उसी का है, इस सब के पीछे उसी का हाथ है, और इस सब के पीछे उसी के प्राण की धड़कन है, उसी का दिल धड़क रहा है। आदमी में ही उलझे रहे तो चूकते चले जाओगे, कुदरत में एक हो जाओ, फिर आदमी से भी प्यार करने लगो। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आदमी को जानना हो तो थोड़ी देर के लिए आदमी से मुक्त हो जाइए, थोड़ी दूरी बनाइए,
वृक्षों से दोस्ती कीजिए, पशु पौधों पक्षियों से दोस्ती कीजिए, और तब आप एक दिन जब वापस आएंगे और पंछियों पौधों वृक्षों से जो आप पाठ लेंगे, जो सीख कराएंगे, और आपका दिल आपकी भावनाएं सभ्य हो जाएंगी, तब आप किसी काव्य से, किसी महाकाव्य से कम नहीं होंगे। और फिर जब आप उस आदमी को देखेंगे, उस महाकाव्य को देखेंगे, तब आप पहचान जाएंगे कि परमात्मा इंसान के दिल में है। तभी तो फिलोसोफर्स दार्शनिक कहते हैं कि कुदरत से शुरू कीजिए, कुदरत में एक हो जाइए, पेड़ों से पौधों से प्यार करिए, पेड़ लगाइए, पंछियों से प्यार करिए, उनका ख्याल रखिए। दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।